बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासमल का सलाम अदा। हंसते रखिए, मुस्कुराते रखिए और अपने आसपास दूसरों का रखिए ख्याल। आज हम आए एक नई रेसिपी के साथ जो अभी हमने बनाई है, चोलिस्तानी कढ़ाई। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें, और कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। तो चलिए आप देखिए वीडियो के हमने चोलिस्तानी कढ़ाई किस तरह बनाई है, तो हम करते हैं इसको अभी इंजॉय। कढ़ाई मैंने ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर रखी हुई है, तो इसके अंदर मैंने डालना है अभी ऑयल। डालते हैं एक कप ऑयल, डालते हैं इसके अंदर एक कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, और ऑयल के अंदर हमने डालना है चिकन। चिकन देख लीजिए मेरे पास छोटे पीस हैं, हड्डी वाले पीस हैं, ज़्यादा बड़े नहीं करने। और ये चिकन मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो है, बेबी चिकन है बेसिकली। आप चाहे तो मीडियम चिकन यूज कर सकते हैं। ऑयल इसके अंदर ज्यादा डाला जाता है क्योंकि पहले ये ऑयल के अंदर फ्राई होती है। चिकन डालते ही इसका कलर देखिए आप चेंज हो गया है, और इसको हमने यहाँ थोड़ा सा करना है, फ्राई करना है बेसिकली, इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। आराम आराम से साथ खिलाते जाइए। अभी हम यहाँ इसके अंदर डालेंगे नमक। डालेंगे नमक मैंने इसके अंदर डालना है ये 1 टेबलस्पून में इसके अंदर अभी नमक ऐड करूंगा, और बाकी में बाद में इसके अंदर ऐड करूंगा। पानी देखिए कितना ज्यादा आया है इसके अंदर, ये बेबी चिकन के अंदर हमेशा पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा फ्राई करूँगा ताकि पानी जो है इसका वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रहा है मैंने, ये दोनों 1-1 टेबलस्पून डाल रहा हूँ मैं। चोलिस्तानी कढ़ाई जो है ना बड़ी मज़ेदार होती है ये। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं टमाटर। टमाटर मेरे पास देखिए ये तकरीबन टमाटर 1 किलो टमाटर है। टमाटर इसके अंदर हम ऐड करके हम इसको फिर करेंगे कवर करेंगे। ये टमाटर डाल दिए इसके अंदर, और इसको हम ऊपर से कर लेते हैं बंद। टमाटर हमारे तकरीबन रेडी हो गए हैं, इसको उठाते हैं और चेक करते हैं। ये टमाटर का हम उतार लेते हैं छिलका जो है ना, ये निकाल लेते हैं हम, ये हमें नहीं चाहिए। ये हमने इसके अंदर से सारा टमाटर का छिलका निकाल लिया, देख सकते हैं आप कितना सारा निकला है। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं अपने बाकी के स्पाइस। अब हमने डालना है इसके अंदर रेड चिली डालनी है, ये हमने डाली है 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर हमने डालना है इसके अंदर 1 टीस्पून। जीरा पाउडर हमने डालना है 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर भी हमने इसके अंदर डालना है, वो भी 1 टेबलस्पून हमने ऐड करना है इसके अंदर। और ये गर्म मसाला जो है ये भी हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून।
और इसको हम कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और साथ हम डाल रहे हैं हमारे पास ये ग्रीन चिली है मोटी वाली, देख सकते हैं आप, ये हमने डालनी है इसके अंदर। आप ये सारी चली जाएंगी, ये आप अपने हिसाब से डालिए और थोड़ा सा इसको फिर हम और पकाएंगे ताकि इसका ऑयल निकल आए। और ये हमने इसके अंदर नमक कम डाला था उस टाइम, ये अभी हम और डाल देते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। आप नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिए, मैंने अभी इसके अंदर 1 टीस्पून और ऐड किया है। अभी अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है योगर्ट, योगर्ट इसके अंदर मैंने डालना है तकरीबन 1/2 कप। योगर्ट डाल के इसको हमने करना है फिर एक बार मिक्स, क्योंकि ये अब तकरीबन रेडी है। कढ़ाई देखिए हमारी, इसको हमने 5 मिनट जो है खूब तेज़ आंच पे पकाना है। अभी साथ इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है क्योंकि ये अभी लास्ट वाला मरहला है। कढ़ाई की टेस्ट अभी हमने बनानी है यहाँ पे। आप चाहे तो इसके अंदर बटर ऐड कर दीजिए अगर है तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर लाइक करते हैं तो ऐड कीजिए, नहीं तो नहीं, वो टेस्ट बना देगा। कढ़ाई देखिए कितनी मज़े की लग रही है, चोरिस्तानी कढ़ाई हमारी। कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया है ना वो थोड़ा सा गिराना है ताकि और थोड़ा सा इसका टेस्ट बन जाए। आप देख सकते हैं कढ़ाई की कंडीशन देखिए आप, कढ़ाई देखिए इसके ऊपर अब हम गिराते हैं थोड़ा सा धनिया और चूल्हे को करते हैं साथ बंद और थोड़ा सा डराते हैं इसके ऊपर लेमन। कढ़ाई हमारी हो गई है रेडी, चोलिस्तानी कढ़ाई देखिए आप क्या जबरदस्त बनी है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए, रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए कैसी बनी है। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो हमें रखिएगा याद और जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह के बाद।